नमस्कार दोस्तों, मोबाइल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए बजट 2019 लेकर आया हूँ। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैं आज आपसे बजट के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े, इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो मैं आपको के लिए लेकर आऊँगा। तो सीधा मैं बजट की तरफ बढ़ते हैं। आज का बजट हमारा, जो इस बार का बजट है वो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया है, क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री अरुण जेटली है वो बीमार हैं, इसी वजह से जो है आपके पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया। बजट 2019 की प्रमुख बातें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या घोषणाएँ की गई ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टैक्स छूट की सीमा जो है 5 लाख रुपये तक की गई है, यानी पहले टैक्स की सीमा जो 2.5 लाख रुपये थी वो अब कितना कर दी गई है, 5 लाख रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट में है कि अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। पीयूष गोयल द्वारा बजट भाषण की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाओं से की गई है। बजट 2019 में मेनली किसके लिए, किसानों और मध्य वर्ग के लिए घोषणाएं की गई है। ये जो आपका है 5 लाख रुपए तक की छूट वाली जो बात है ये किसके लिए, मध्य वर्ग के लिए है, किसानों के लिए भी बातें आई हैं। बजट 2019 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखी गई प्रमुख घोषणाएं ये है। सबसे पहले है बैंक से मिलने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 करोड़ लोगों को इससे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स की सीमा बता चुकी है आपको, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सहायता राशि जो है 62,474 करोड़ से बढ़ा करके 76,800 करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर गई है, तो 35% की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2019 और 20 में वित्तीय घाटा जो था GDP का वो कितने रहने का अनुमान है, 3% रहने का अनुमान है। उसके बाद नेक्स्ट है विजन 2030 इंडिया जो है उसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या विज़न किया गया है। तो पहला है डिजिटलाइजेशन किया गया है, वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा, ऊर्जा से चलाने के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों का सशक्तिकरण होगा, साफ नदियां होगी, तटीय क्षेत्रों की स्वच्छता और सुरक्षा, ये जो अंतरिक्ष योजनाएं, गगनयान है, इन लोगों में, इन चीज़ों में बढ़ावा दिया जाएगा, खाद्य सुरक्षा और उपलब्धता, स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत जो है हमारा, जो मोदी जी द्वारा चलाया गया एक अभियान है आयुष्मान भारत, वो सब को उसमें बढ़ावा दिया जाएगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इन सब को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन लोगों की आय 5 करोड़ सालाना से कम है उसे 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा, 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा। GST लागू कर सरकार ने इतिहास रचा है। नई कंपनियों को 25% क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। अगले 2 सालों में लगभग सभी टैक्स और मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। अब टैक्स भरने के लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 5 सालों में 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे। पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये जो 2019 का बजट है उसमें कितने लाख गांव को डिजिटल बनाने का संकल्प लिया गया है, तो या कमिटमेंट किया गया है, तो 1 लाख डिजिटल गांवों को बनाने का। 5 सालों में मोबाइल डाटा का उपयोग 50% बढ़ा है। मछली पालन और पशुपालन को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ के 2 फंड बनाने का प्रस्ताव है। 42 मेगा फूड पार्क को अत्याधुनिक बनाने का वादा किया गया है। मछली पालन और पशुपालन को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ के 2 फंड बनाने का प्रस्ताव है। 2,000 करोड़ रुपये का कृषि बाजार और संरचना कोष बनाने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट है कि कोलकाता से वाराणसी के बीच सागरमाला के तहत फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। आज पूरे देश में ब्रॉड गेज पर एक भी मानव रहित क्रॉसिंग नहीं बची है। उड़ान योजना से घरेलू हवाई यातायात दुगना हुआ है, नौकरियां बढ़ी है। भारत में प्रतिदिन 27 किलोमीटर हाईवे बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घोषणा की गई है, यानी रक्षा के जो है उसमें भी कितना खर्चा किया गया, रक्षा के बजट पर 3 लाख करोड़ रुपये का हो गया है जो बजट है अपना। वर्ष 2019-20 के लिए डिफेंस बजट की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जो है उस पर भी खर्चा किया गया है। नेशनल सेंटर और ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जो है उस पर पोर्टल की स्थापना की घोषणा की गई है। वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेगी सरकार, जिसके तहत सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, यानी ये जो गैस सिलेंडर से रिलेटेड योजनाएँ थी, उज्ज्वला योजना, उसके तहत 8 करोड़ कनेक्शन दी जाएगी। पहले हमारे सरकार का टारगेट था 5 करोड़, अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 8 करोड़ कनेक्शन कर दी जाएगी। घरेलू कामकाजों को आयुष्मान भारत के तहत और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना की घोषणा, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये होगी उनको लाभ की व्यवस्था होगी। इस योजना में 500 करोड़ रुपये दी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर अधिक राशि दी जाएगी।
ग्रेच्युटी भुगतान जो है 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी गई है। पशुपालन के लिए मछुआरों को ब्याज में 2% की छूट दी गई है और आपदा प्रभावित लोगों को जो है उनमें ब्याज में भी 5% की छूट दी गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग यानी गायों से रिलेटेड गाय की नस्लों को सुधारा जा सके कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आरंभ करने की योजना के तहत गरीब किसानों को क्या है 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले को उनके अकाउंट में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। यानी जो कि जिन किसानों का 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होगा उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। किसानों की उन्नति और आय वृद्धि के लिए फसल का पूरा दाम दिलाने और आय दुगुना करने की घोषणा के तहत MSP को कितना परसेंट दी है 50% की घोषणा की गई है। अभी तक हमारे देश में 21 एम्स है, अब 22वां एम्स हरियाणा में बनाए जाने की घोषणा की है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक एम्स बनेगा। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन दिया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर राशि बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित, जो पिछले बार 15,000 करोड़ रुपये थे। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है पहले 15,000 करोड़ रुपए थे, उसे बढ़ा करके क्या कर दिया 19,000 करोड़ कर दिया गया। अंतरिम बजट में क्या होता है, अंतरिम बजट के बारे में कुछ जान ली। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता पूरी की जाती है। ये अंतरिम बजट के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद है नई सरकार बनाने के लिए जो समय होता है उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है। इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेना पड़े या फिर कानून में संशोधन किया जा सके या संशोधन करने की ज़रूरत हो। दोस्तों ये मेरा वीडियो रहा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आपके पास आने वाला हूँ।